मॉर्निंग आज सभी ये तो जानते होंगे कि मैं नैना, जो नहीं जानते हैं उन्हें बता देती हूँ, मेरा नाम नैना है और मैं सोशल मीडिया पे बनाती हूँ वीडियो, यानी कि वी मैट पर। तो चलो आज मैं दिखाती हूँ, मुझे वीडियो भी बनानी है और मैं क्या पहनूँ, तो मैं अपने कपड़ों का कलेक्शन दिखाती हूँ कि क्या पहनूँ। तो आइए चलते हैं मेरे कमर तक। तो गाइस आप पहुँच चुके हैं, ये मेरी ड्रेसेस हैं, आप देख सकते हो। उधर से ये लहंगा साड़ी लहंगे वगैरह रखे हुए हैं। इधर मेरी टॉप और जीन्स का कलेक्शन है, तो अभी और भी है तो मैं दिखाती हूँ आपको। मेरे साथ आइए आप, बहुत सारी है, आप बिलीव नहीं करोगे इतना सारा मेरे पास में ड्रेसेस है, क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो मुझे बहुत सारा खरीदना पड़ता है। तो मैं आ गई हूँ अपने सेकंड रूम में, यहाँ पे भी कुछ कपड़े हैं मेरे, मैं लाइट ऑन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे भी हम पहुँच गए हैं। तो गाइस ये देख सकते हो आप, ये सेकंड है, यहाँ पे भी लहंगे वगैरह सब कुछ ये पड़ा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आप हेल्प कर दो मेरी कि मैं क्या पहनूँ, क्या अच्छा लगेगा, तो मैं वही पहनूंगी, क्योंकि मुझे वीडियो भी बनानी है और मेरे इतने सारे कपड़े हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फिर भी कि मेरे कपड़े नहीं है यार, मैं क्या पहनूँगी। और ज़्यादा सिर दर्द होता है अगर मैं कोई ड्रेस चूज कर भी लूँ तो उसके साथ क्या मैच करूँ, वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है। तो आइए मैं एक ड्रेस देख लेती हूँ कि कौन सी पहनूँ आज, और उसके बाद में आप मुझे ये बताना कि मैं उसके ऊपर कौन सी ज्वेलरी पहनूँ। तो मैं पहले ड्रेस निकाल लेती हूँ, एक मिनट आप रुकिए। मैंने ये फाइनली ये ड्रेस निकाल ली है, ये ब्लाउज है और ये साड़ी है। आज मैं पहनूंगी ये, देखो कैसा लगेगा। और इसके लिए आपको मेरे साथ ज्वेलरी भी देखनी है कि ज्वेलरी कौन सी अच्छी लगेगी, तो मैं आपको देख सकते हो कि ब्लैक और रेड है उसमें, तो कौन सा अच्छा लगेगा। सिंपल सा नेकलेस है ये, अच्छा लगेगा ना, तो मैं इसको ले लेती हूँ। और कानों के लिए ये ब्लैक है और रेड है, तो मैं कानों के लिए ये निकाल लेती हूँ। वन मिनट, गिर गया नीचे। तो मैंने कानों के लिए ये इयररिंग निकाल ली है, अभी आपको दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। तो ये वाले हैं, आप देख सकते हो ये अच्छे लगेंगे ना। तो चलिए मैं पहले इसे रख देती हूँ, और उसके बाद चाहिए मुझे आपको, क्यों मुझे अभी हाथों के लिए चाहिए, तो फटाफट चूड़ियाँ देख लेते, चूड़ी अच्छी लगेंगी या फिर ना चूड़ा अच्छा लगेगा इस पर। तो मैं आपको ये मेरी चूड़ी है, उनका कलेक्शन है चूड़ी का। ओ, सिट निकल गया, सॉरी, उधर से लहंगे की थी ये, आप देख सकते हो इसे निकल गया ये मेरी चूड़ियां हैं।
इनमें मैं उसमें रेड है तो ये रेड और ऊपर ब्लैक ये दोनों मिला लेती हूँ, अच्छी लगेंगी ना, है ना। तो चलो मिला लेते हैं इसे भी। सो गाइस ये मैंने रेडी कर ली है, आप देख सकते हो ये कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। ये मैंने मैच कर लिया, अब मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, फिर बताना आपकी मैं कैसी लग रही हूँ। ओके गाइस ये देखो ये ब्लाउज है और ये करता है टॉप का काम, इसे हम जींस के ऊपर भी डाल सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। आप देख सकते हो इसका लुक कितना अच्छा है, क्योंकि ये लगता नहीं है कि ये ब्लाउज है, साड़ी के ऊपर ही पहन सकते हैं बस, क्योंकि इसमें ये देख रहे हो आप ये जो ऊपर से ये बटन लग रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इसकी शोभा बढ़ा देते हैं। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अब मैं पूरा लुक दिखाती हूँ इसका। सो भाई मैं अब रेडी हो रही हूँ, साड़ी तो मैंने पहन ली है और अब थोड़ी सी ज्वेलरी पहन के ये जो जो मैंने ज्वेलरी निकाली थी मैं वही पहन रही हूँ। सो मुझे बी में एक वीडियो भी डालनी है और मैं साथ के साथ आपके लिए भी बना रही हूँ वीडियो। तो अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए हाथों के लिए, तो मैं अब अपने हाथों के लिए चूड़ी ले रही हूँ। सो गाइस ये चूड़ियाँ हैं, अब मैं इन्हें वेंगल लिए पहनती हूँ आराम से, क्योंकि इतना देखो धीरे धीरे थोड़ी सी बड़ी चूड़ियाँ हमेशा पहननी चाहिए, क्योंकि अगर छोटी चूड़ी पहनोगे आप ये बैंगल तो हाथ में लगने का डर रहता है इससे, और थोड़ी बड़ी पहनोगे तो पहनने में भी आसानी होती है और फिर इनको उतारने में भी आसानी होती है। तो हमें थोड़ी सी बड़ी चूड़ियाँ लेनी चाहिए हमेशा। तो पहन लेती हूँ और बताना आपकी कैसी लगी। ये देखो अब मैंने चूड़ियाँ पहन ली है, ये देख सकते हो आप ये कैसी लग रही है मेरे हाथों में। तो इनका मैच अच्छा है ना, क्योंकि साड़ी में भी आप देख सकते हो रेड है और ब्लैक है ये, तो इसमें रेड कंगन लगाए मैंने और ब्लैक चूड़ियाँ लगाई हैं। बट आप देख सकते हो जो भी है अच्छा लग रहा है जितनी भी है। तो अभी मैं अपने थोड़े से बाल कंघी करूँगी। यही पकड़ लेती हूँ थोड़े से मेरे, ये हाईलाइट करवाए थे मैंने अपने बाल। ये देखो तो कैसी लग रही है साड़ी मेरी, आप देख सकते हो अच्छी लग रही है ना। ये मेरा लुक है आज का वी मेट पे वीडियो बनाने के लिए। और आपको मुझे कैसी वीडियो चाहिए और कैसी मेरी वीडियो लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में तो आप बता ही सकते हो, और मैं भी आपको और कुछ दिखाना चाहती हूँ, देखोगी ना। ओके 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 अभी दिखाती हूँ, वेट। और आप देख रहे हो ये मेरा पिंक क्यूपिड क्यूसी और इसका ये छोटा सा पिंकू, और कैसा लग रहा है, मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिताती हूँ, इसी के साथ मैं सोती हूँ। तो ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि आप जानते हो हर लड़की का टॉय बहुत ही ज़्यादा फेवरेट रहता है, सभी टॉय से खेलती है। तो लव यू, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा खेलती हूँ। तो कुछ और भी दिखाने वाली हूँ मैं अभी आपको, अभी मेरी वीडियो से मत जाना।
ये देखो, ये मेरे वीमेट से मिले हुए अवार्ड हैं, और एक इधर रखा है, ये रहा। ये मेरे अवार्ड हैं जो मुझे वीमेट ने दिए हैं, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ मुझे ये इतने सारे अवार्ड मिले, क्योंकि एक साल के अंदर अंदर मुझे अवार्ड पे अवार्ड मिलते चले गए। तो मुझे ये खासकर आपको दिखाना था, और मैं अभी भी और कुछ दिखाने जा रही हूँ आपको। अबे एक मिनट। सो गाइस, ये भी आपको मुझे दिखाना था। ये मेरी बालकनी है, यहाँ पे मैं वीडियो बनाती हूँ अक्सर। मैं यहीं पे वीडियो बनाती हूँ, आप देख सकते हो। और इधर से ये रोड भी दिखाई देता है आपको, ये देख सकते हो आप। और मुझे अगर मेरा मन थोड़ा सा उदास होता है, बोर हो जाती हूँ, बोर फीलिंग होता है, तो मैं यहीं पे आगे खड़ी हो जाती हूँ, और मैं यहाँ से नीचे से नीचे से नीचे से ऐसे 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 देखती हूँ। ये देख सकते हो आप। तो मेरे बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, अभी इतना अच्छा है आप सभी को बताने के लिए, क्योंकि मैं आप सब्सक्राइब नहीं करते हो अभी, तो पहले फटाफट मेरी वीडियो को आपको अपने फ्रेंडों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत अच्छा अच्छा आपको दिखाती रहूं। और ये एक, मैं अपनी एज पे आ जाऊंगी तो एक मेमोरी बन जाएगी, और फिर मैं इनको देख देख के आप सभी को याद करूँगी, और मैं देखा करूँगी, हाय नैना तू ऐसी थी। तो बहुत ही ज़्यादा यादगार पल हो जाएंगे ये, तो इसीलिए मैं आपके लिए वीलॉग बनाती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने दोस्तों के साथ अपनी छोटी छोटी हर चीज़ क्यों ना शेयर की जाए, उनको बताई जाए, और अगर उनके मन में जो भी कुछ है मेरे लिए, तो वो मुझसे बताएं कि आप ये चेंज करो। तो मैं थोड़ा सा आप जैसा बनना चाहती हूँ, थोड़ा सा बस यही मेरी व्लॉग बनाने का मकसद है, कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा फैनों के करीब रहूं, क्योंकि सब दूर होते जा रहे हैं एक दूसरे से। मैं चाहती हूँ कि मैं ना रह के हम एक साथ एक मुट्ठी बन के रहें सब भी। तो बस मेरा मकसद यही है। तो मेरी चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए प्लीज़। एंड बाय।